हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप जो ये उलिया देख रहे हैं वो चेंज होने वाला है, क्योंकि मैं बालों में केमिकल प्रोसेस करवाने जा रही हूँ और कट भी करवाने वाली हूँ। तो शायद ये लुक आप लास्ट टाइम देख रहे हैं, तो आज उसी का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज स्टे ट्यून विद मी टू सी दिस ब्लॉग। तो चलिए अब हम चलते हैं पार्लर। What's left, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And तो ये बिफोर का फुटेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरे बाल पहले बिल्कुल झाड़ू जैसे थे, बहुत ही ख़राब हो चुके थे। ड्राइनेस भी बहुत ही ज़्यादा थी, रफनेस भी बहुत ही थी, शाइन बिल्कुल नहीं थी। तो प्रोसेस में पहले उन्होंने 4 टाइम्स मेरा हेयर वॉश किया और उसके बाद मैंने एक ट्रीटमेंट भी और एक्स्ट्रा ली थी, जिसमें हेयर फॉल ट्रीटमेंट थी। मुझे हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कोविड के बाद बढ़ गया था, तो मैंने पहले वो ट्रीटमेंट करवाई हेयर फॉल के लिए। तो अभी तो ये यहाँ पे पहले ब्लो ड्राई कर रही है। फिर ब्लो ड्राई ख़त्म करने के बाद मेरे बाल पूरे ड्राई हो चुके थे और फिर स्कैल्प में कुछ टॉनिक अप्लाई किया गया था। और उसके बाद मुझे हेड मसाज दिया गया। हेड मसाज देने के बाद मैंने 20 मिनट तक वेट किया, ताकि जो टॉनिक उसने मेरे बालों में, सॉरी मेरे स्कैल्प में लगाया था, वो अच्छे से काम करे। और उसके बाद फिर से मेरा हेयर वॉश हुआ और हेयर वॉश के बाद अगेन ब्लो ड्राई। यहाँ पे मैं रिबॉर्डिंग करवाने वाली हूँ। तो फिर ब्लो ड्राई ख़त्म हुआ और मेरे बालों में केमिकल लगना स्टार्ट हो चुका है। उन्होंने अच्छे से पार्टीशन किया और इवनली मेरे सारे बालों में केमिकल को अप्लाई किया गया था। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. फिर उन्होंने जो केमिकल मेरे बालों में अप्लाई किया था उसे 45 मिनट्स के लिए रखा था और फिर उन्होंने कुछ चेक किया और उन्होंने देखा और फिर अगेन मेरे बालों में केमिकल अप्लाई किया था। उन्होंने ये बोला कि बालों में उसकी इफ़ेक्ट नहीं आई है अच्छे से, इसलिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे बालों में 2 बार केमिकल अप्लाई हुआ था और फिर उसके बाद बालों को फिर से वॉश किया गया और फिर ब्लो ड्राई किया और आइनिंग स्टार्ट हो चुका था। और आइनिंग होने के बाद बाल मेरे बहुत ही ग्लॉसी और शाइनी लगने लगे थे। I don't wanna miss a beat. ये जो ब्यूटिशन है ये उन्हीं का ही पार्लर है। वो चेक करने आई है कि उनके जो भी हेल्पिंग हैंड्स है उन्होंने अच्छे से काम किया है या नहीं किया है। बालों को पूरी तरह आयरन करने के बाद फिर बालों में न्यूट्री पैक अप्लाई किया गया था और उसके 10 मिनट के बाद फिर से बालों को वॉश किया गया था। और फिर ये देखिए, ये दूसरे दिन की फुटेज है जहाँ पे मैं मेरे बालों को बहुत ही एंजॉय कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे बाल बहुत ही शाइनी, सॉफ्ट और बहुत ही मैनेजेबल लग रहे हैं। तो मुझे 2 दिन तक बाल को ओपन रखने के लिए बोला गया था ताकि बालों में कोई टेंगल ना आए। 2 दिन के बाद मैं फिर से हेयर वॉश के लिए पार्लर में गई थी और ये उसके बाद का फुटेज है। मैंने रिबॉन्डिंग करवाया फिर भी बालों में टेंगल क्यों है आई डोंट नो, फिर भी ठीक है। आई लव माई लुक, क्योंकि मुझे बाल नेचुरल लगे ऐसा ही लुक पसंद है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मेरा ये न्यू लुक कैसा लग रहा है। और हाँ, ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।